हेलो बच्चों बच्चों, हम पढ़ेंगे आज अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो हमारी रिवीजन सीरीज कैसी चल रही है, प्लीज सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आज का चैप्टर जो हमारा एनवायरनमेंट है, इंडियन इकोनॉमी का सबसे आसान चैप्टर है टर्म टू के हिसाब से। तो इस पूरे चैप्टर का क्रिस्प रिविजन करेंगे मेरे साथ, तो जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब है टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, मतलब सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मिलाकर एनवायरनमेंट कही जा सकती हैं। अब इस एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक को बोलते हैं बायोटिक और दूसरे को बोलते हैं अबायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएंगे। अबायोटिक हो गए जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, यानी कि मान लेते हैं कि आपने देखा लकड़ी, पहाड़, ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, इन सबको हम अबायोटिक बोल सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इस एनवायरनमेंट का यानी पर्यावरण जिसको कह सकते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके चार मेन फंक्शंस हैं। नंबर वन, एक तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट साधन प्रोवाइड करते हैं। लकड़ियाँ चाहिए, एनवायरनमेंट से मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो बायोटिक या अबायोटिक साधन से ही प्रोवाइड होगी। दूसरा, एसिमिलेट्स वेस्ट। इसका मतलब जितना भी हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, वो सारा का सारा एब्जॉर्व करने का काम भी एनवायरनमेंट करती है। तीसरा, सस्टेन्स लाइफ। अब ऑब्वियसली हम लाइफ में, यानी कि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, एक लाइफ है हमारी, तो वो इस पर्यावरण का ही फंक्शन है, यानी कि ये सारी चीज़ें मिला जुला कर लाइफ को सस्टेन करती हैं। और चौथा, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, यानी कि ये जो खूबसूरती आप देखते हो, सीनिक ब्यूटी जिसको कहते हैं, ये भी सब पर्यावरण की ही देन है। बादल, पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें सीनिक ब्यूटी कहलाती हैं। तो एनवायरनमेंट का फंक्शन है ये। अब जो हमारे चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स हैं, हम उसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। नंबर वन टॉपिक है एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है कि भाई कोई क्राइसिस है, कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एनवायरमेंटल दिक्कत है। इसमें दो चीज़ें कवर की जाती हैं। मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, यानी कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं पहली बात, और जो हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे एब्जॉर्ब करने की क्षमता से भी ज़्यादा है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ले लो कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आप थोड़ा सा कूड़ा डाल सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारा कूड़ा डालते रहोगे, भरते रहोगे, उसकी लिमिट से भी ज़्यादा भर दोगे, तो उस पर प्रेशर आ जाएगा। तो सिमिलरली एनवायरमेंटल क्राइसिस में ये बात बताई जा रही है। अब इस क्राइसिस के कारण क्या है, यानी कि रीजंस फॉर दिस क्राइसिस, तो तीन बहुत ही छोटे से क्राइसिस के कारण है। नंबर वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसा कि आप जानते हो, हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है बहुत तेजी से। नंबर टू, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब हम हर प्रकार के, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, ऐसे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा, कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारा, उसने पॉल्यूशन इतना क्रिएट कर दिया है जिससे हमारी हवा की, हमारी पानी की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। तो ये मेन तीन कारण है हमारे यहाँ एनवायरमेंटल क्राइसिस के। देन उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ये ऑब्जर्व किया गया था और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है भविष्य के लिए कि धीरे धीरे जो एवरेज टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है, यानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ की एटमॉस्फेयर का, उसको बढ़ते हुए देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो पिछली पास्ट सेंचुरी में ये 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू होगी, तो सी लेवल्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इसमें ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तापमान क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी का? तो नंबर वन रीजन है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनसे जो CO2 या मिथेन गैस निकलती है वो ओवरऑल तापमान को बढ़ाती है।
नंबर टू डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ काटते चलोगे, जंगलों को तबाह करते चलोगे, तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है और जिसकी वजह से भी तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर थ्री जो एनिमल वेस्ट्स होते हैं, यानी कि जंगल में कोई पशु मर गया, अब मरे मरे सड़ गया, तो उस सड़े हुए एनिमल वेस्ट से जो गैस निकलती है मिथेन गैस, वो भी तापमान को गर्म करती है। और चौथा इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन। अब कैटल प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से भी आप थोड़ा थोड़ा लिंक कर सकते हो, यानी कि जितनी भी भेड़ बकरियां या कैटल है उनका प्रोडक्शन, यानी कि वो जितने ज़्यादा होंगे तो उनको उतना ज़्यादा चारा दिया जाएगा, तो इतने ज़्यादा पेड़ भी कटेंगे, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है और जिसकी वजह से वापस से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है और तापमान जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चार मेन कारण हैं जो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो हमें पता होने चाहिए। फिर इसके बाद है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर तापमान बढ़ भी गया तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है, पड़ेगा फर्क। नंबर वन, एक तो बर्फ जब पिघलेगी तो उससे हमारे समुद्री लेवल यानी सी लेवल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर टू हरिकेन्स या कोई भी नेचुरल इम्बैलेंसेस होने के खतरे बढ़ जाते हैं, कहीं तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पे कुछ और आ गया, तो ये सब घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। नंबर थ्री मलेरिया, डेंगू, इन तरह की चीज़ों का या इन तरह की बीमारियों का भी होना और ज़्यादा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। और नंबर फोर बहुत सी स्पीशीज़ खतरे में पड़ जाएंगी, तो अगर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहा तो हो सकता है कुछ स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है पोलर बियर, जो सिर्फ ठंडी जगह पर ही पाया जाता है, तो अगर धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो ये पोलर बियर हो सकता है एक्सटिंक्ट कर जाए। तो ये हमारे इफेक्ट्स हो गए ग्लोबल वार्मिंग के। फिर इसी से संबंधित एक थर्ड टॉपिक है छोटा, जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। तो ये आपने बचपन में साइंस के अंदर सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ओजोन लेयर होती है ना, तो ओजोन डिप्लीशन टॉपिक वहीं से निकला है कि जो भी हमारी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो हमारे ओजोन लेयर को धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से चिंता का सबब है। तो अब कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके मेनली दो ही कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो पहला ही है कि जो भी हम कूलिंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं मेनली AC या रेफ्रिजरेटर्स, उसके अंदर CFC का इस्तेमाल किया जाता है, तो जितना ज़्यादा ये कूलिंग सब्सटेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीशन का कारण बन रही है। और इसके अलावा दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो भी CFC की ही तरह होती है और वो भी ओजोन को डिप्लीट करने में एक तरह से कारगर हो रही होती है। तो दो रीजन या दो कारण हम कह सकते हैं जिसकी वजह से मेनली ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। सर ओजोन लेयर डिप्लीट हो भी गई तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या चिंता। बिल्कुल चिंता है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन के कुछ प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो जितनी ओजोन लेयर पतली हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो सूर्य की जो किरणें हैं जो सीधा पृथ्वी पर आती हैं और जिसमें खासकर UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो और ज़्यादा प्रभाव से पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बीच से जो ओजोन लेयर उनको रोकने का काम करती है वो तो हट गई, तो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज सूर्य की सीधी हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए थोड़ा सा डैमेज कर सकती है। इसी तरह हमको स्किन कैंसर का खतरा जो है वो भी बढ़ सकता है, और यूवी रेडिएशंस बहुत से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी तबाह कर सकती है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो ज़मीन पर उगते हैं, तो ज़्यादा गर्म उस पर अगर सूर्य की रोशनियाँ पड़ना शुरू हो गई, रेज पड़ना, यूवी रेडिएशंस पड़ना शुरू होंगे, तो वो फिर उग नहीं पाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो कुछ इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं ओजोन डिप्लीशन के। फिर इसके बाद है इसी से संबंधित एक छोटा मिनी टॉपिक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि बहुत वर्षों पहले ये CFC को लेकर जब चिंता हुई UN को, यूनाइटेड नेशंस को, तो इन्होंने एक बैठक सी बुलाई और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जिसको हम ट्रीटी बोल सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हिस्टोरिक ट्रीटी है जो UN के मेंबर्स ने डिज़ाइन करी और उसमें ये सब ने कसम खाई कि भाई ओजोन लेयर के डिप्लीशन को अब हमें रोकना है, और उसको रोकने के लिए जो ये CFC है उसके इस्तेमाल को या प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को हमें
रोक के चलना है या रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। तो बहुत से नेशंस ने उस पर साइन करा कि हाँ भाई हम मानते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को और हम सीएफसी के यूज को अब लिमिट कर देंगे। तो भारत ने भी ये ट्रीटी साइन करी थी, बस वो तारीख आपको याद होनी चाहिए, 17 सितंबर 1992। तो यही बात यहाँ पर दे रखी है। तो इसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जिसमें काफी यूएन मेंबर्स ने या मेंबर कंट्रीज ने ये कहा कि हम सीएफसी के कंजम्पशन या प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2013 तक, और इस ट्रीटी की वजह से काफी हद तक मदद भी मिली है ओजोन रिकवरी में। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जो टॉपिक मेन है हमारे एग्जाम के लिए, वो जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है आपके बोर्ड्स में, वो ये कि चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए। तो इसमें 5 मेन चैलेंजेस हैं, और कोई भी चैलेंज अकेला 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर का। तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो 5 मेन चैलेंजेस क्या हैं। नंबर 1, लैंड डिग्रेडेशन। तो देखो भाई, लैंड मतलब जमीन, डिग्रेडेशन का मतलब है डिग्रेड हो जाना, खराब हो जाना, उसकी क्वालिटी बेकार हो गई। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये कि ओवरऑल क्वालिटी जो है उसमें क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब भारत में लैंड डिग्रेडेशन जो है वो क्यों होता है, क्योंकि एक तो हमारा यूज़ बहुत अनस्टेबल है, कई बार हम उसमें इन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि इस ज़मीन पर कब कौन सा क्रॉप उगाना है, इस ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करना है, हम कुछ भी करे चले जा रहे हैं, तो इस चक्कर में ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। तो ये बेसिकली हो गया लैंड डिग्रेडेशन। तो इससे हमारा ओवरऑल जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो भी अब धीरे धीरे कम हो सकता है। अब लैंड डिग्रेडेशन सर होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या हैं, ये भी थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। तो इसके कारण जो हैं वो एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, आप जंगल काटते रहते हो, तो इससे फिर से वही होता है कि भाई जो ज़मीन है उसका आप सही इस्तेमाल नहीं करना जानते या नहीं कर पाते, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हो जाते हैं, तो लैंड डिग्रेड हो जाती है। दूसरा ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब भेड़ बकरियों को चराए जा रहे हो, तो उससे भी क्या हो रहा है, एक तरह से वो डिफॉरेस्टेशन की तरह मान लो हो रहा है। तीसरा ड्यू टू एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड, अब आप जंगलों की ज़मीन को खत्म करके घुसे जा रहे हो, वहाँ पे शहरीकरण कर रहे हो, तो ज़्यादा अर्बनाइजेशन करने के चक्कर में भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं और ज़मीन की क्वालिटी खराब हो रही है। चौथा इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, आपको पता ही नहीं है कि क्रॉप रोटेशन करनी कैसी होती है, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं देता, तो उसकी वजह से भी ज़मीन की क्वालिटी ओवरऑल खराब हो जाती है। तो बहुत से ऐसे ही कारण हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीन की क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर है हमारा दूसरा चैलेंज डीफॉरेस्टेशन। तो ये तो अपने आप में नाम से ही क्लियर है, और इतनी सारी फसाद की जड़ जो था ये यही पॉइंट था, डीफॉरेस्टेशन है ना। तो डीफॉरेस्टेशन का मतलब तो ये है कि भाई हम जंगल काट रहे हैं, यानी कि फॉरेस्टेशन का उल्टा, तो पेड़ काट रहे हैं और जो जंगल है या जो हरियाली है उसकी हमारी ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रही है। तो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट या वुडलैंड्स को हम डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं। तो देखो इसी में लिखा है, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, तो उससे कभी ना कभी कोई ना कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस जन्म लेगा ही लेगा। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्राइसिस है डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया कि मिट्टी जो स्तर है हमारा सॉइल का, वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, हो सकता है एक्सेसिव बारिश हो रही हो, और एक्सेसिव बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जंगल काटते हो। तो आप अगर जंगल काटते रहोगे इसी तरह, तो 100% कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज होंगे, और उसका प्रभाव देख लो कितना बुरा पड़ेगा। तो आज से आपको जंगल नहीं काटने हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यही यहाँ पर लिखा है। तो सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो एक्सेसिव बारिश या फ्लड्स की वजह से धरती का स्तर धीरे धीरे हटता रहता है, दैट इज सॉइल इरोड हो रही है, और उसका मेन कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत से इससे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। चौथा बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि देखो हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, कितनी डाइवर्सिटीज हैं, कीड़े मकोड़े पंछी और ये पशु, इनमें कितनी वैरायटियां होती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की वजह से
बायोडायवर्सिटी का भी नुकसान हो रहा है। बहुत से जीव जंतु या बहुत से पशु या बहुत सी पक्षियां एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके या एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लॉस। तो ये यहाँ पर देखो दे रखा है कि भाई इतने भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये सब करने से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट करने से, इन सब पशुओं को, इन सब प्लांट्स को नुकसान होने का खतरा है या एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। तो दैट इज बायोडायवर्सिटी लॉस। और पांचवा, वो तो आप करते ही हो, एयर पॉल्यूशन, ये भी हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस का एक पार्ट है, पांचवा चैलेंज। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, वायु प्रदूषण। तो वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो मेनली इसके दो कारण हैं। एक तो आप जो अपनी गाड़ियां चलाते रहते हो शहरों में, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, तो हवा को दूषित करता है। दूसरा, देश में प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो फैक्ट्रीज चल रही हैं तो वो भी धुआं क्रिएट कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी वायु क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो ये हो गया एयर पॉल्यूशन सिंपल। तो बाकी भारत सरकार ने एक सीपीसी भी बोर्ड है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका निर्माण करा है, जो थोड़ा सा चेक करती रहती है कि भाई पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और वो कंट्रोल्ड रहे। फिर आते हैं जी हम अपने लास्ट मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें दो तीन सब टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं। तो सस्टेनेबल पहले, डेवलपमेंट इसका क्या मतलब है जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिन चीज़ों की इंजॉयमेंट हम आज कर रहे हैं वो भविष्य की जनरेशन के लिए भी अवेलेबल बची रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आज ही हम सारे रिसोर्सेज के मजे ले लें और सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर दें और बेचारी भविष्य की जो जनरेशन आने वाली है उनके पास रिसोर्स ही ना बचें ढंग से पृथ्वी पर इंजॉय करने के लिए, या जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनके पास बचे ही ना रिसोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं। तो इसमें मेनली दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि भाई एक तो जो गरीब लोग हैं उनकी बेसिक ज़रूरतों को तो पूरा करना ही करना है, और साथ ही साथ सभी सेक्टरों की ग्रोथ जो है वो भी होनी ज़रूरी होती है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया कहाँ से था, इसका जन्म कहाँ से हुआ था, एक छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो 1980 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बनी थी, वहां पर ये टर्म पहली बार इस्तेमाल हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पॉइंट यहाँ पर ये है हमारे एग्जाम के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कैसे करें भाई, है ना? तो वो देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। नंबर वन, रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको आप थोड़ा सा इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड ही रखो, मतलब ऐसा नहीं कि बस वेस्ट करे जा रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड रखो, है ना, ताकि वो ऐसा भी ना हो कि बहुत ही जल्दी पता चला उनको रिन्यू होने में टाइम लग रहा है और उससे पहले ही आप बैठे हो खाली कि अब क्या करें, रिसोर्स तो सारे खत्म हो गए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, कोशिश करनी चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको सब्सटीट्यूट करो विद रिन्यूएबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल वाले तो जितना आप यूज करते चलोगे वो तो खत्म होते रहेंगे, रिन्यू भी नहीं होंगे। तो कोशिश ये करो कि उनको रिप्लेस कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि रिन्यूएबल वाले कम से कम रिन्यू तो हो जाएंगे कुछ समय बाद। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ताकि आप इनपुट एफिशिएंट बनो। अब इनपुट एफिशिएंट किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, आपने मान लेते हैं एक पेड़ काटा और पहले आप उस एक पेड़ को काटकर दो कुर्सियां बनाते थे, तो यानी कि आपने एक पेड़ को बर्बाद करके दो कुर्सियां बना ली, लेकिन अब आपको थोड़ा सा इनपुट एफिशिएंट होना है। इनपुट एफिशिएंट का मतलब है और बेहतर होना है, तो अब अगर आप एक पेड़ काटते हो तो अब आप एक पेड़ से दो कुर्सियां नहीं बनाओगे, चार कुर्सियां बना रहे हो, तो आप थोड़े से क्या हो गए, इनपुट एफिशिएंट हो गए। तो इससे क्या है कि भाई आपके रिसोर्सेज उतने ही इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गई, तो दैट इज एफिशिएंसी, है ना। चौथा, पॉल्यूशन जो हम मचा रहे हैं, जो हमने ऊपर भी बात करी, उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना तो एक जेनरिक पॉइंट है। और इसके अलावा यही दे रखा है कि भाई जो भी पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हमारी लिमिट से बहुत ज़्यादा हो, तो उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट के अंदर ही हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, ये कह रहा है। और फिर है इसी में लास्ट जो मेन पॉइंट या टॉपिक जो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि कुछ स्ट्रेटेजीज बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए या करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, है ना, सीधा मतलब मुद्दे की पॉइंट्स बताओ। तो छह पॉइंट्स इसमें बहुत ही जबरदस्त हैं, बड़े ध्यान से सुनना। लास्ट पॉइंट है,
नंबर वन, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको ना थोड़े से अब आज के जमाने के, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है थोड़े आज के जमाने के, पुराने नहीं कि कोयला इस्तेमाल कर रहे हो आप अभी भी, मान लो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो आज के जमाने के स्रोत हैं एनर्जीज के, उनको फोकस करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा भाई, पहले हम यूज करते थे मान लो पेट्रोल डीजल, अब ये सब क्या है, ये सब धुआं क्रिएट ज्यादा करती हैं, तो हमें इनकी जगह क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सीएनजी हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और काम वही कर देंगे, तो ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे थर्मल प्लांट्स हैं, जो भाई देखो पानी का भाव तो पहाड़ों में बहुत सारा होता है, छोटे छोटे झरने बह रहे होते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे अगर मिनी हाइडल प्लांट्स लगा दे तो वो धुआं प्रदूषण ये सब भी नहीं करते और बिजली का भी उत्पादन कर देते हैं, तो ये भी हमको कर लेना चाहिए। चौथा है कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज या प्रैक्टिस जिसको भूल चुके हैं, तो उसको भी अप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयुष, तो हमने पढ़ा था ना, तो आयुष जो होता है वो इफेक्टिव भी है, वो सस्ता भी है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन हम उसको भूलकर आज की नई दवाइयों की तरफ भागते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कुछ जो अच्छी चीजें थी हमारी पुरानी उनको हम फॉलो कर सकें, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयुष। पांचवा, यूज ऑफ बायो कॉम्पोस्ट। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं खाद चाहिए हमें, तो केमिकल अपना खाद का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो प्रदूषण को फैलाती हैं या पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, तो उसकी जगह आप बायो कॉम्पोस्ट यूज कर लो। बायो कॉम्पोस्ट का मतलब कि भाई जो भैंस भेड़ बकरी, मतलब बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, एनिमल्स जो हैं, उनका जो गोबर है, उनका जो कॉम्पोस्ट है, वेस्ट है, वो सूख कर जब डंग बन जाता है, मतलब कि खाद बन जाता है, आप उसको इस्तेमाल करो, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और छठा भी यही पॉइंट कह रहा है, बायोपेस्ट्स का इस्तेमाल करो। अब कई बार हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते रहते हैं, छिड़क रहे हैं, हिट छिड़क रहे हैं, ये वो कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण हो रहा है, हमारा पर्यावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, और हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो इससे बढ़िया हमें बायोलॉजिकल या बायो कॉम्पोस्ट का ही यूज कर लेना चाहिए, बायोपेस्ट का ही यूज कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स जो ऑटोमेटिकली कीड़ों वीड़ों को मार देते हैं, जैसे आप अपने घर में एक छिपकली पाल लो, तो छिपकली खुद ही सारे मच्छरों को खा खी के खत्म कर देगी, तो आपको टेंशन ही नहीं स्प्रे वगैरह खरीदने की, तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। तो ये बेसिकली ये स्ट्रेटेजीज होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में बस यही चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी, तो सारी चीज़ें देखो मैंने अच्छे से आपको रिवाइज करवा दी, तो एग्जाम में इसमें चाहे 2 नंबर या 3 नंबर या लास्ट के टॉपिक में से 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके कि आपको अच्छे से पूरी बात समझ आई कि नहीं आई, और ओवरऑल रिवीजन आपका अच्छे से सही हो रहा है कंप्लीट या नहीं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।